बोलो पुत्र, कैसे लगे ये वस्त्र? हम नीलमणि से ही पूछ लेते। बताओ लल्ला, तुम्हें कौन से वस्त्र अच्छे लग रहे हैं? बताओ। हाँ, बस एक बार संकेत दे दे लल्ला। देखो, लग तो है इसने स्वयं ही अपना वस्त्र चुन लियो है। जे वाला दिखाइए। कौन सा? जे वाला? हाँ, जे वाला। अब उठाया है आपने सही वस्त्र। क्या केशव भैया, तब से जे सिली हुई पोशाक रखो है आपने, और हमें तब से आप कोरा वस्त्र दिखा रहे थे। अर्थात हमारा पुत्र हमारे पास ना होकर भी हमारे साथ ही है। सही कहा स्वामी, हमारे पुत्र को मेरे बनाए गए वस्त्र पसंद आए। हाथी घोड़ा पाल के जय नंद गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। रंगोली रंग सज रहे न्यारे, इत्र महक रहे हैं मोगरे वाले, मोर पंख के मुकुट लगा के पशु भी लग रहे हैं कितने प्यारे। सज गए घर आंगन दीवारे, सज रहे बालक नर और नारी, खीर जलेबी दूध मलाई, प्रेम में डूबी बने मिठाई, एक झलक पाना चाहे सब गोकुल राजकुमार की। हाथी घोड़ा पाल की जय नंद गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पूर्णा मौसी, बहुत अच्छा किया आप आ गए, सच्ची। जे तो वही पुण्य आत्मा है पुण्य मौसी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिज्जी के लल्ला होगो, तब लगो कि ब्याह के इतने बरसों के बाद ऐसा होना असंभव है, किंतु आज देखो। हाँ पूर्णा मौसी, आपकी कही बात सच निकली। जे देखो मेरा लल्ला। आंखें अब बूढ़ी हो गई है यशोदा, दुख तो इस बात का है कि जी भर के तेरे लल्ला को देख ना पा रही है। जानत है गांव में सभी क्या कहते हैं, यशोदा का लल्ला बहुत प्यारा है। हाँ वो तो मैं हूँ, किंतु तुम कैसी हो पूर्णा? किसी ने कुछ कहा क्या? ना ना, अवश्य ही मुझे भ्रम हुआ है। चौंक क्यों गई?
हमारा नाता तो जन जन का है पूर्णा। लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही हो है? जी, जी मुझसे बात कर रही हो है? अरे क्या कर रही हो, सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। ध्यान से देखो पूर्णा, पहचानो मुझे। दादी माँ देखो, ये सब देवता है ना? सारे देवता पधारे हैं। सारे तेरी षष्ठी पूजा के लिए आए हैं। इसका अर्थ है कि तू सच्ची में पूर्णा, मेरे रहस्य को गोपनीय रखना है तुम्हें। ये सच्ची में, ये सच्ची में क्या मौसी? हाँ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? कोई चिंता की बात तो ना है ना? उतना दसों दिशाओं में जिसके नाम का डंका बजता है, वो महान मथुराधिपति आज मेरे साधारण से आवास पर अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण है वो कार्य जो तुम्हें मेरे लिए करना है। चिंता किस बात की, जब स्वयं नारायण ही? नहीं पूर्णा, मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। क्या हुआ मौसी, कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? और जे सभी देवी देवता पधारे हैं, जे सबका क्या मतलब? हाँ तुम्हें मेरी भक्ति की सौगंध है पूर्णा, मैया यशोदा के लिए मुझे बस नंदलाला ही रहने दो। चुप क्यों हो गई मौसी, बताओ ना, अवश्य ही कोई विशेष बात है जो आप बता ना रही? हाँ बताओ मौसी, क्या हुआ? ना कुछ विशेष नहीं है सुधा, क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि इसके देह में दिव्य तेज है, ये मुझसे कुछ कहना चाहते है। आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा, न जाने क्या देखती है क्या समझती है। धन्यवाद पूर्णा। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है मौसी। अवश्य ही तेरे लल्ला पर भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा है, तभी तो शायद मुझे लगा कि सारे देवता यही कहीं आसपास है। मैं प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और ब्रह्म क्या है। आप पुण्य आत्मा है मासी, आपकी जो गूढ़ बातें
मेरे पल्ले तो ना पड़ती, पर इतना जानता हूं कि श्री नारायण की हम पर कृपा का साक्षात स्वरूप है जिलल्ला। किंतु अब मैं सब समझ गई हूँ, इस बालक के रूप में स्वयं नारायण ने अवतार लिया है। तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं महाराज। आप चाहते हैं मैं आपके जीवन पर छाए इस ग्रहण को राहु बनके निगल जाऊं? हाँ, किंतु वो विष्णु शिशु के रूप में कहीं छुपा हुआ है, इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब का वध करना होगा। ये सब मैं आपके लिए क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। जितने अधिक शिशुओं को तुम ढूंढ पाओगी उतने अधिक शिशुओं को मार पाओगी। आहा, तो यहाँ है आप। रुक क्यों गए शनिदेव? आइए ना शनिदेव। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। भीतर जाकर जब तक प्रभु श्री नारायण को जी भरकर देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। किंतु यदि मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी वक्र दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। यशोदा, मैं भी निकलती। अच्छा जी। लल्ला लल्ला, अच्छा घर ना जानो है। हाँ, घर ना जानो है। तुम सबके कारण मेरे और मेरे लल्ला को तनिक भी समय ना मिलता है साथ में। अतिथि भी चले गए, अब तो जाओ सब। जिंजी देखो हंस रहा है। आजा, गोदी में आएगा। अरे मुझे देखा है मुझे। तुम सबके कान में बात ना जा रही मेरी? हाँ, अब इसे खिलाते रहोगे तो मेरे लल्ला का पेट दुखने लगेगो। बस करो सब, चलो। ऐसी मधुर किलकारियां भरेंगे तो मैं स्वयं को कैसे रोक पाऊंगा प्रभु। परेशान कर दो है ना लल्ला। बहुत थक गए ना। हाँ, अब कोई परेशान ना करेगा, सब गए। अब तू भी सो जा। जैसे रोनी जी जी सुलाती है ना तेरे बड़े भैया को, वैसे ही सुलाऊंगी तुझे। ये हुई ना बात। मैया, बहुत आनंद आ रहा है, पर मैं आंखें बंद करूं भी तो कैसे? शनिदेव कितने व्याकुल हैं मेरे दर्शन के लिए। देख रहा है।
महाराज, आप कौन और आप यहां क्या कर रहे हो? मैं आपका लल्ला। अच्छा, लल्ला को देखने आए हो? अरे तो इतनी देर क्यों कर दी? जब सब आए थे तब क्यों ना आया? आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है? कहां से हो आप? और सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, सच्ची सच्ची बोलो। मैं शनि, शनि देव। अच्छा, शनि देव। मैं चंडी माता। मैं आप एक तो चोरी चोरी झरोखे से झांक रहे थे, ऊपर से स्वयं को शनि देव बता रहे हो, हैं? क्या समझते हो? महाराज, यदि आप सच्ची में शनि देव हैं, फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्शन बिल्कुल ना करवाऊंगी। किंतु क्यों मैया? भूल गया, आपकी ही दृष्टि के कारण मैया पार्वती के लल्ला का शीश कट गया था। फिर हमारे डमरूधारी भोले भंडारी ने हाथी का शीश लगा के उनके प्राण बचाओ, और अच्छे भले हमारे गणेश जी गजानन बन गए। वो भगवान है, उनके लिए ये सब करना संभव था, किंतु मैं तो साधारण मैया हूं महाराज। यदि आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपके वक्र दृष्टि लग गई तो ना ना, आप ही बताओ ऐसे कैसे देखने दूं आपको अपने लल्ला को, हैं शनि देव? अब आप क्षमा करो मुझे। मैं अपनी दृष्टि, केवल 6 दिन का है मेरा लल्ला, और जिस दिन प्रतिदिन के उत्सव से बहुत थक गए है, उसे सोने दो महाराज। लो कर लो बात, मैं तो जाग रहा हूँ मैया, मिलने दो ना शनि देव को, मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का। जय राम जी की। ऐसे ढोंगियों से जितना बच के रहे लल्ला उतना ही अच्छा। हाँ, वैसे तो जे सच्ची के भी शनिदेव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला। अरे स्वांग झूठा हो सकता है, किंतु शनिदेव की वक्र दृष्टि तो सच्ची होती है ना? हाँ हाँ, नहीं तो। ये क्या किया मैया, कितना दुख हुआ होगा शनिदेव को। न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनि देव, आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। ठंडे झोंके से नींद ना आ रही लल्ला को? हाँ, मैं अभी सारे झरोके बंद कर देती हूँ, ठीक है? फिर मैया तुझे लोरी गा के सुलाएगी तो बहुत अच्छे से सोएगा मेरा लल्ला। अभी आई मैया। हाँ, बिना मिले ही जा रहे हैं शनि देव। अवश्य ही ये मेरा भ्रम होगा। लो कर लो बात, दर्शन देने मैं स्वयं आया हूँ तो आप मेरी पुकार अनसुनी करके जा रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूं मैं,
सामने कोकिला है लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा। ऐसा इसलिए शनि देव, क्योंकि ये कोकिला माध्यम है, मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला। प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गया, संपूर्ण जगत आपके दर्शन लेने आया, किंतु आप मुझे दर्शन देने चले आए। प्रभु आपने सच्चे हृदय से स्मरण किया था, फिर कैसे ना आता मैं। जब भक्त ईश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है। मेरी तपस्या का फल इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान को पवित्र कर दिया है शनि देव। आज से जो भी मुझे हृदय में धारण कर यहाँ आएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो फिर प्रभु मेरा एक अंश यहाँ सदैव निवास करेगा, इसीलिए आज से ये स्थान कोकिलावन के रूप में जाना जाएगा। और मेरी वक्र दृष्टि से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहाँ पर आकर आपकी भक्ति करेगा वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे, ये विष्णु ही है। लो भाई, मेरा लल्ला तो सज धज के आगो है। अब तुम सब बताओ इसका पालना सजो की ना। बिल्कुल तैयार है यशोदा जी, देखो लल्ला के उपयोग के लिए कितना व्याकुल है। चल लल्ला आराम से। अरे शीघ्र चलो, पालना उत्सव आरंभ ना हो जाए, नहीं तो नीलमणि को झुलाने का अवसर ना मिलेगा। तो उसका पालना उत्सव है आज। अब देख चलिए विष्णु, तेरी मैया के साथ कैसा छल करती हूँ मैं। चलो चलो, मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु मैं तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगी। कहो भाभी, कैसा लगो पालना? लल्ला का है पालना, जे ही बताएगो। कैसा लगो? लो जीजी, लल्ला ने तो हाँ कर दे। तो पाला सब आराम करें। रुको,
पहले मुझे देख तो लेने दो, पालना ठीक तो है ना? है तो सुंदर, किंतु सुरक्षित भी तो होना चाहिए। जे फूल जे आज के ही है ना, कीट पतंगे तो ना लगी इनमें? ना भाभी, आज सवेरे ही मैंने और जानकी ने स्वयं तोड़े हैं, फिर उन्हें धोया तब जाके सजाया है इसे। और जे मोर पंख, इनकी नुकीली सिरे भीतर की ओर तो ना है? मेरे लल्ला को चुभ गई तो? बाहर की ओर ही है जीजी, मैंने स्वयं लगाए हैं। और जे गद्दा और उनके बस्त्र सब कोमल है ना? आपके सारे निर्देशों का ध्यान रखो है हमने। अच्छा अच्छा, और जे पालना जे सुरक्षित तो है ना, भार उठा लेगो ना मेरे लल्ला का? जे क्या कर रही हो सब? अरे मैं मैया हूँ, सदैव सावधान रहना चाहिए। हाँ नहीं तो हृदय प्रसन्न हो गया भैया ये सब जानकर, बहुत प्रसन्नता हुई। भैया रोहिणी दीदी कैसी है, उनका पुत्र स्वस्थ तो है ना? हाँ भाई नंद, रोहिणी कैसी है? सब कुशल मंगल है, मेरी भाभी और भतीजा दोनों आपको बहुत स्मरण करते, आपकी प्रतीक्षा कर रहे। नंद भाई, मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा अपनी भाभी से, उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया। वो समझती आपकी परिस्थिति का आभास है उन्हें। नो, मैं तो भूल ही गई, भाभी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे। बिटिया कहाँ है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? आकाशवाणी में मेरे आठवें पुत्र का उल्लेख था, पर उसने मेरी गोद से मेरी पुत्री को छीन लिया और तो फिर नारायण के अवतार वो कहां गए? वो नारायण की लीला वही जाने, किंतु अब तक अवतार की मृत्यु ना कर पाने के कारण कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने पूतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है, जिनका जन्म पिछले 10 दिनों में हुआ। भाई नंद, इसलिए आप सावधान रहिए। यदि उसे पता चला कि आपको पुत्र हुआ है, वो भी 7 दिन पहले, तो अनर्थ हो जाएगा। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज, हमारा लल्ला। राम राम प्रणाम 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 राम जी। काका,
इस छोटे मार्ग से चलिए। किंतु महाराज ये मार्ग तो पथरीला है। जल्दी। मैं पहचान ना पाई। आप? वसुदेव जी ने भेजा है मुझे आपकी नीलमणि को दूध पिलाने के लिए। किंतु मेरे लल्ला को आपका दूध कैसे? राजा वसुदेव पे आपको भरोसा नहीं है? ना, ये बात ना है। किंतु यादवपुर के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कल ही तो सूचना मिली थी कि वसुदेव भैया और राजकुमारी देवकी को कारागार से मुक्त कर दो है कंस ने, और आज जे उपहार लेकर मिलने भी गए थे। संभव है वसुदेव भैया ने इसीलिए भेजो इन्हें। काका शीघ्र चलो। क्या हुआ? अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाएंगी मुझे? उसके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना आपके मन में भी तो होगी। है क्यों ना, अवश्य है। आई आई। अब आ ही गई हो तो मेरे पालना उत्सव में तुम्हारा स्वागत है पूतना। पर मुझे झुलाने ही आना? मारने की मंशा से आओगी तो स्वयं मृत्यु के झूले में झूल जाओगी। गोकुल अभी दूर है। नंद भैया, पही का किला निकल गया है, कसना पड़ेगो। रक्षा करो नारायण, रक्षा करो। रक्षा करो।
मैं अधम नराधम निशाचरी अभिमानी हो गई थी प्रभु। विष्णु अवतार की हत्या का प्रयत्न किया मैंने। कैसे सोच लिया एक निर्दोष अबोध शिशु को विष पिला दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सब जो भी करते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही करते हैं। तुम भी इसका अपवाद नहीं हो पूतना। आज तुमने जो किया उसका संबंध तुम्हारे पिछले जन्म से था, जब संसार तुम्हें रत्नमाला के नाम से जानता था। मैं रत्नमाला? हाँ, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। बलि दैत्यों के राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली, और मेरे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से वो अमर हुए और पृथ्वी और स्वर्ग के सम्राट बन बैठे। यज्ञ पूर्ण होने के बाद वो सभी याचकों को उपहार देने लगे। तब मैंने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया, वामन अवतार। रत्नमाला के रूप में जैसे ही तुमने मुझे देखा, उस बालक जैसे अवतार के रूप से तुम भावुक हो गए। तुम्हारा हृदय ममता से भर उठा। अब एक ही अभिलाषा है मेरी, तुम्हें पुत्र रूप में पाना, गोद में खिलाना, अपना दूध पिलाना। तब मैंने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु प्रभु, यदि वरदान था तो मैंने आपको दूध के स्थान पर विष पिलाने का दुष्कर्म क्यों किया? क्रोध के कारण, जो मैंने उस समय तुम्हारे पिता दैत्यराज महाबली के साथ किया था, उसी के कारण तुम क्रोधित हुई थी। उपहार में 3 पग स्थान मांग लिया था मैंने उनसे। किंतु इतने से उपहार से मुझे इतना क्रोध क्यों आया प्रभु? जब राजा बलि ने मेरे वामन अवतार की इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया, तो मैंने विशाल त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया। प्रथम पग में मैंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में नाप लिया विशाल स्वर्ग, किंतु फिर राजा बलि के पास उपहार में देने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। पर महाबली भी अपने वचन के पक्के थे। तीसरे पग को रखने के लिए उन्होंने मुझे अपना शीश अर्पित कर दिया। मेरे बार से महाबली पाताल लोक जाने पर विवश हो गए। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार के कारण ही तुम्हें क्रोध आया था। पिलाने की कामना थी, पर अब विषपान कराना चाहती हूं तुम्हें। विषपान! तुम्हारी वो मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। मन ही मन ऐसा वरदान दिया था मैंने तुम्हें, और आज तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं रत्नमाला। भले ही तुम्हारी नियत में विष था, पर तुमने मेरी भूख मिटाने का उपक्रम किया, मुझे अपने पक्ष से लगाया। यही कारण है कि तुम मेरे लिए मेरी मां के समान पूजनीय हो गई हो, और इसीलिए अब से तुम सभी बंधनों से मुक्त हो।
मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ, मोक्ष प्रदान करता हूँ। ओम श्री हरि। एक शंका और है प्रभु, मेरे हाथों इतने सारे निर्दोष शिशुओं की हत्या क्यों हुई? जिन शिशुओं के प्राण तुमने लिए, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में उन्हें अल्पायु ही होना था। यही विधि का विधान था रत्नमाला। प्रभु रक्षा करो प्रभु। वो देखो, ठीक हो? पूतना, लल्ला को कोई ढूंढो, कोई लल्ला को लेके आओ, लल्ला को ढूंढो, ढूंढो लल्ला को, लल्ला को ढूंढो, अरे सीढ़ी लाओ, चलो जल्दी।
मुझे क्या होना है मैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नीलमणि, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। अब तो मत रो मैया, आ गया हूँ ना आपके पास, अपनी मैया की गोद में। मैं तुझे दियो वचन पूरा ना कर पाई लल्ला, मैं तेरी सुरक्षा ना कर पाई। प्रभावती, गोमूत्र और गोबर ले आओ, शुद्धि पूजा शुरू करनी है। लाओ यशोदा। क्यों चाहिए मेरा लल्ला? सत्य बताना, कौन हो तुम और ये सब कौन है? यशोदा, मैं रोहिणी जिज्जी, और ये सब गोपियां तुम्हारी सखियां। कैसे भरोसा करूं मैं कि आप रोहिणी जिज्जी हो और ये सब मेरी सखियां ही हैं? कैसे भरोसा करूं कि आप जो दिख रही हो सत्य में वो ही हो, कोई और ना हो? मेरे घर जो आई थी साक्षात देवी का रूप थी, किंतु वो चुड़ैल निकली, राक्षसी। बस अब मुझे किसी पर भरोसा ना करना है। की बहुत बहुत कृपा, हमारे लल्ला को कुछ ना हो। यशोदा, नारायण की कृपा से कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे लल्ला को, समझने का प्रयास करो। वही तो कर रही हूँ जीजी, समझने का प्रयास। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी कि एक अनजान पे भरोसा कर लो मैंने। एक माँ होके भी मैं सत्य ना देख पाई, किंतु आप, तुम सब स्वयं को सखियां बताती हो ना मेरी, तुम सब ने भी ना देखी, एक बार भी मुझे सचेत ना किया उस राक्षसी के बारे में। यदि कुछ हो जाता मेरे लल्ला को तो कहाँ जाती, क्या करती, किसको दोष देती? तुमने सत्य कहा यशोदा, ये हम सब का दोष है, हम सब से त्रुटि हुई और हमारे नीलमणि के प्राण संकट में पड़ गए। किसी को दोष देने का कोई लाभ ना है, हमें अपनी त्रुटियों से सीखना होगा। एक भूल हम पहले ही कर चुके, शुद्धि ना करके दूसरी भूल ना करेंगे यशोदा। हाँ यशोदा, उस राक्षसी ने हमारे नीलमणि को विष पिलाने का प्रयास किया था, नारायण की कृपा से अब हमारा लल्ला ठीक है, किंतु उसके स्वास्थ्य के लिए शुद्धि पूजा करनी ही होगी। घबराओ मत मैया, अब सुरक्षित हूँ मैं। आते दो।
बड़ी हंसी आ रही है तुझे, क्यों रे? इतनी प्रसन्नता का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा, बता लल्ला, बता, अपनी मैया को ना बताएगा? ये क्या कर रहे हो चंद्र? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने आपके ध्यान में बाधा डाल दी। श्री विष्णु अवतार के बाल स्वरूप की किलकारियां सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं बार बार झुककर उनकी एक झलक पाने की चेष्टा कर रहा था। क्या इतनी अद्भुत है उनकी मुस्कुराहट? उनकी मुस्कुराहट तो चंद्रदेव की आभा से भी अधिक है। और रूप तो ऐसा प्रभु कि उन्हें कितना भी देखें ना आंखें थकेंगी और ना ही मन। मुझे उनसे मिलना ही होगा, उनकी मधुर मुस्कुराहट का आनंद लेना होगा मुझे। चाहे जो हो जाए, वो फटते ही जाऊंगा उनसे मिलने। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस जोगी की झोली पुकार रही है मैया, इसे भर दो। आप तो स्वयं ही इतने समृद्ध लग रहे हो बाबा, मैं आपकी झोली कौन से वस्तु से भरूं? हर्ष से, उल्लास से, प्रसन्नता से, प्रमोद से। कुछ देर के लिए अपने लल्ला को मेरी गोदी में खेलने दो मैया। मैं भी आपकी गोद में आने के लिए आतुर हूँ सखा। कृपा करो मैया, अब इस जोगी से और प्रतीक्षा मत करो। ना, जे तो मैं ना कर सकती। पर क्यों मैया, मैं बहुत दूर से मिलने आया हूँ आपके लल्ला से। देखो बाबा, जो दे रही हूँ उसे आप स्वीकार करो। मेरा लल्ला अभी बहुत नन्हा है, आपकी जब भेषभूषा से भयभीत हो जाएगो। पर मैया, मैं तो आपके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूँ। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने, राक्षसी निकली वो, और जब आप अनोखी भेषभूषा में आए हो, राम जाने आप कौन हो। आप सच्ची में बहुत भोले हो भोले शंकर, मैया को मनाना भी नहीं आता आपको। बस एक बार मैया। बाबा मैंने कही ना, ना का अर्थ ना। बस मैया, बहुत हुई आपकी हट, अब आप इस जोगी की हट देखोगी। अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आपके लल्ला को जी भर कर निहार नहीं लेता। मत जाओ। मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा मैया। हाँ बाबा बैठ जाओ, जितना समय मन करे उतने समय तक बैठो आप, किंतु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे। मैया, आप मुझे पहचानती नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक समाधि में बैठ सकता हूँ। जब आपका लल्ला बड़ा हो जाएगा, उस पर आपका कोई अंकुश नहीं रहेगा, तब मिल लूंगा उससे, पर बिना मिले लौटूंगा नहीं। सखा, इतना आसान नहीं है मेरी मैया से जीत पाना। आप 10,000 वर्षों तक बैठ सकते हो, तो मैं भी 20,000 वर्षों तक जे द्वार बंद रख सकती हूँ। पीछे का द्वार खोल दूंगी, मेरा लल्ला खेलने जाएगो आ जाएगो, किंतु आपसे ना मिलने दूंगी। आप होंगे बड़ी हटी, किंतु मैं भी मैया हूँ। एक मैया के हट को पहचानते
तुझे ऐसी चुनौती ना देते आप। लो कर लो बात, अब क्या करोगे भोलेनाथ? मुझे भय है कि मैया आपके दर्शन करवाने की दया मुझ पर नहीं करेंगी। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, मनाइए अपनी मैया को। हाँ? क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ यशोदा? ये लल्ला क्यों रो रहा है? देखो ना जी, जो चुप ही ना हो रहा है। यशोदा, गोकुल का राजकुमार है जे। गोकुल के होने वाले राजा से मिलने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं भला? बाबा, आइए। भेंट की मंगल बेला आई, द्वार के पीछे यशोदा माई। धन्य भाग हुए शिव जी पाई, रूप अलौकिक इतना प्रभु का, सबका ही मन मोह ले। भजन हरि के बोले, दर्शन करने आए भोले। जोगी वाले पहन के चोले, दर्शन करने आए भोले। नीलमणि को गोद में भर के प्रभु सखा से मिलके, भाव अनंत जो उड़े मन में, नैनों से अश्रु बन के छलके। सृष्टि ने भी इंद्रधनुष के सतरंगी करने आए भोले। जोगी वाले पहन के चोले, दर्शन करने आए भोले। इतने लंबे समय से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु। सदैव से आपका अनुसरण किया है मैंने। सत्य तो यह है कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं प्रभु, और मैं हूं अपने भक्तों का दास। समस्त संसार के लिए ईश्वर हूं मैं, पर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बाध्य हूं सखा।
जिस प्रकार आप देवों के देव हैं, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों का भक्त हूं। तभी तो विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है और शिव ही विष्णु और शिव ही विष्णु है। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णु, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिवः। बाबा आप जैसे टकटकी लगाकर देख रहे हो, मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाएगी। जिसकी दृष्टि उतारने वाली ऐसी मैया हो, उसे किसी की दृष्टि कैसे लग सकती है भला? ए, ए। लीजिए, संभालिए अपने लल्ला को। क्षमा करना बाबा, आपको बहुत कष्ट हो। क्षमा का कोई कारण नहीं है, आप तो बस मैया होने का धर्म निभा रही थी। नीलमणि धन्य किसे आप जैसी मैया मिले। सत्य वचन सखा, सत्य वचन। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे छोटे से मित्र को माँ की वो ममता मिली है जिसके लिए सदैव से तरसता था। सखा, क्या कर रहे हो? भेद खोलने के पीछे क्यों पड़े हो आप? जैसे एक मां तड़पती है अपने पुत्र के स्नेह के लिए, वैसे ही एक पुत्र भी तरसता है अपनी मां की ममता के लिए। फिर चाहे वो कोई साधारण बालक हो या स्वयं नारायण का अवतार। बाबा आप कितनी अच्छी बात कह रहे हो, हृदय प्रसन्न होगा। आपके लिए कुछ लाऊं? बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। बस आपके शुभ हाथों से बने माखन की मटकी दे दीजिए मैया, मेरा सारा संसार उसी में समा जाएगा। अवश्य, अभी लाई, लो जी। अभी जी लीजिए बाबा। आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, आपके घर पर धन धान्य, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव ऐसे बरसे जैसे सावन के मेघ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।